Assalamu alaikum students, let us start our English A lecture of class 7. Class 7 ka English A lecture mein aap log read out kar chuke hain story elephant, usme revenge. Revenge ki reading kar liye, uske word meaning sentences kar liye. Now come back toward the answer question. Take out page number 7. Page number 7 nikale, page number 7 ke upar reading for understanding. Reading for understanding ke aapne answer questions karne hain. Now take out your copy, draw margin line, write down date and day. अपनी copy को prepare करें. Question number 1 is that what had the elephant handler done after the young man had been buried? Young man को buried करने के बाद elephant handler ने क्या किया? Answer of this question is that they began to flee along with their elephant. उसने उसको अपने elephant के साथ आजाद कर दिया. Second question. How had shoe dog the dead man elephant been behaving? The elephant was जो shoe dog था dead man का elephant उसका behavior क्या था? The elephant was restless, nervous, flapping her ears and clawing the air with the tip of her trunk. Elephant जो था nervous थी, flapping her ears अपने कान लहरा रही थी और हवा में अपनी सूंड के साथ हवा को उछाल रही थी. Question number 3. What had the hussing dog done to ensure that shoe dog did not break free? Shoe dog जो वो खुद से आजाद नहीं हो सकती हसिंग ऑक को कैसे यकीन था? He used heavy tomming chain instead of light fetters. उसने हल्की चेन की बजाय एक भारी चेन का इस्तेमाल किया था. Question number 4. What were the first sign that a storm was approaching? तूफान आ रहा था, इसका पहला निशान क्या था? The clouds began to mass and the sky was completely dark. आसमान के ऊपर बादल जमा होने लग गए थे और आसमान डार्क हो गया था. That was the first sign that a storm was approaching. इसका मतलब है कि तूफान आ रहा था. Why was the hussing ox so sure that shoe dog had been freed by a human? Shoe dog को किसी इंसान ने आजाद करवाया था. हसिंग ऑक को किस तरह से यकीन था? बिकॉज ही कुड नॉट हेयर द टॉमिंग चेन. उसने जो टॉमिंग चेन जिससे शू डॉग को बांधा था, ड्रैगिंग यानी बजना, उसके पाँव में नहीं बजी थी. विद हर फीट ही सेड शी मस्ट हैव बीन फ्रेड बाय अ ह्यूमन. उसका कहना है कि शू डॉग को लाजमी किसी इंसान ने आज़ाद करवाया. क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड व्हेन शू डॉग मूविंग टुवर्ड द टाई एंड मिके थेकन शूटिंग हर. मिके थेकन और शू डॉग जब वो टाई के पास भागती हुई आ रही थी, मिको थेकन ने उसके साथ क्या किया? मिके थेकन ने हर्ड द बेल ऑफ एलिफेंट. उसने एलिफेंट की बेल सुनी. ही केम आउट विद द राइफल. अपनी राइफल के साथ बाहर आया. शू डॉग वेंट नियर द टाई एंड चार्ज फॉर डिमोलिशन. उसने उसके ऊपर अटैक किया. क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन एग्जैक्टली हाउ शू डॉग एंड मिके थेकन डाई. शू डॉग और मिके थेकन किस तरह से मरे? शू डॉग वॉज डाइड बाय द बुलेट डैट मिके थेकन himself was crushed under the falling body of the elephant. शू डॉग जो है वो उस बुलेट से उसकी डेथ होगी जो मिके थेकन ने फायर किया था शू डॉग के ऊपर. और मिके थेकन की डेथ हुई थी शू डॉग की फॉलिंग बॉडी से. व्हाट डिड द स्टोरी टेलर एंड हसिंग ऑक सी नेक्स्ट टू द ह्यूज फुटमार्क ऑफ शू डॉग? दिस आर ह्यूमन फुटप्रिंट. उन्होंने शू डॉग के पाँव के निशानों के साथ क्या देखा था? उन्होंने इंसानी पाँव के निशान देखे थे. नौ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 7 के ऊपर रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके आंसर जो हैं वो तमाम आंसर इसमें मौजूद हैं. राइट डाउन दिस नीटली ऑन योर कॉपी. तमाम आंसर्स को अपनी कॉपी के ऊपर नीटली लिखें और इनको लर्न करें. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ तक 6 है. Write down this neatly on your copy. Question number 7 and question number 8. Okay, Allah Hafiz. Now come to with your next lecture.